अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोशर खबर नाम है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हज तफसील। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोर आज इलाही बाग शहर श्रीनगर मज इंडोर सपोर्ट्स स्टेडियम इफ्तिताह। अत मौक पे तम खिताब करान वोनमुत नौजवान खिलाड़ियन गिंद खातर तमाम सहूलत आई तन थाना तो वो जम्मू कश्मीर नशके वबा निश दूर थान खातर सारे जिम्मेदारी निभावन तमो नौजवान पे जोर दिमुत जम न मुख्तलिफ खेलन मज हिस्स। अत मौक पे श्रीनगर के मेयर जनीद अजीम मुटू, वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रबी तो नौजवान खिलाड़ियन हज खास तदाद मौजूद। यह कत बा लायक जरद पे गिश लट एल जी शहर श्रीनगर किस हसास इलाक मौजवान सत बात कर तुम नशक वबा निश दूर रोजन बापत खेलन कुन तवजा दिनस पे जोर दियुत। कोऑर्डिनेट माइक ऑन कर दें प्लीज हमारे साउंड ऑपरेटर साहब। बाल से भटकाने की कोशिश की गई, चंद लोगों ने अपने निजी स्वार्थ की खातिर हमारे नौजवान बच्चों को गुमराह करके उन्हें दूसरे रास्ते पर धकेल दिया। आप लोग कभी गौर करिएगा, चिंतन करिएगा, जिन्होंने हमारे बच्चों को गुमराह किया उनका पूरा खानदान विदेश के बड़े शहरों में पड़ रहा है, आराम की जिंदगी जी रहा है, लोगों के घरों में आग लगाकर तमाशा देखने वाले ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और पूरे आवाम को ऐसे लोगों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा होने की भी जरूरत अब आ गई है। मैं देख रहा हूं कि आज भी हमारे नौजवानों के नशे के दलदल में धकेलने के प्रयास किए जा रहे हैं, ड्रग एडिक्शन आवाम को खोखला कर रहा है। इसके खिलाफ हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें और नौजवानों की आवाज सारे खास से गूंजनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, धीरज गुप्ता जी को मैंने भी कहा है, हमारे जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, जल्द से जल्द नशा मुक्ति का एक बढ़िया केंद्र इस इलाके में प्रशासन की ओर से अविलंब बना दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जल्द से ये काम पूरा कर लिया जाएगा। अगर नई पीढ़ी को बचाना है, अगर उनके भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है तो ड्रग एडिक्शन के खिलाफ इकट्ठे होकर हम सबको लड़ाई लड़नी होगी। आज जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इस धरती से चारों तरफ अमर और मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। अपनी आने वाली नस्लों पीढ़ियों के लिए हमें इस अमन और मोहब्बत की फिजा को कायम रखना है। नौजवान भारतवर्ष के भविष्य हैं। मैं डाउन टाउन के नौजवानों को इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहता हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, आपको पूरे संकल्प के साथ अपनी पूरी ऊर्जा और खेल के मैदान में कुछ कर गुजरने की जिद के साथ जम्मू कश्मीर का तथा देश का नाम रोशन करना है। मित्रों, पिछले 10-15 दिन हमने और हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मेहता ने बैठ करके तय किया था, यहाँ डाउनटाउन के नौजवानों, आसपास के नौजवानों के रोजगार के लिए एक विशेष अभियान हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जमाना बीत गया, आज आपने देखा किस तरह से नौजवान यहाँ उत्साह में हैं और यहाँ के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के फील्ड में केवल जम्मू कश्मीर का नहीं देश का नाम रोशन किया था। और प्रशासन हमारा पूरी शिद्दत के साथ यहाँ के नौजवानों के खेल और रोजगार के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसी हमने बना दी है, 2014 में हाईकोर्ट का एक स्टे था, तब से कोई नियुक्ति नहीं हुई। ये पेश अत मौक पे वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्रबी सिंह तरफ तन आमुत नौजवान खिलाड़ियन हिंद खर खुशी हज कह डाउन टाउनस मज इंडोर स्टेडियम इफ्तिताह सपदन तमो वह उम्मीद नौजवान लागन जू जान गिंदस कुन ये तम पानस सत्य जम्मू कश्मीर नाव ते रोशन करन। देखिए, ये हमारे लिए खुशनसीबी है, तमाम कश्मीरियों के लिए, खासकर डाउनटाउन के लिए, कि यहाँ पर इस इलाके में जो तो कभी सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था, वहाँ पे आज हम हैं। और यहाँ पे आज एलजी साहब ने जिस इंडोर स्टेडियम का
इनॉग्रेशन किया, ये मानो कि हमारे लिए ख्वाब से कम नहीं है। और यहाँ का यूथ जो दूसरी तरफ जा रहा था, नशे की तरफ, बाकी चीज़ों की तरफ, अब वो खेल कूद में अपना जी जान लगाएगा और अपना नाम भी रोशन करेगा, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी करेगा रोशन। इंशाअल्लाह रहमान उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और जो तरक्की की राह पे सपोर्ट्स गामजन हो रहा है उसके लिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। और ख़ासकर जो हमने एलजी साहब को यहाँ पे बताया कि इसमें एक रिजर्वेशन होनी चाहिए और एलजी साहब ने उसका वहीं पे जवाब दिया कि हम उनका रिजर्वेशन भी नौकरियों में रखेंगे, इसके लिए हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए अत मौकस पे स्रीनगर मेयर जुनेद अजीम मुटवन तथ कान वोनमुत शहर स्रीनगर तरक्की कुन गमजन तो तरक्कियन कामन पे शुदू मुदसान कम जारी तो उम्मीद सारी काम वातन मुकर्र वक्त अंदर आन। हम कर रहे हैं, देखिए एक लेगेसी बर्डन है और मैं बार बार जब लेगेसी बर्डन कहता हूँ तो फिर लोग कहते हैं देखिए जी ये ही इज हाइडिंग बिहाइंड एक्सक्यूजेस। अब अगर मैं वो लेगेसी बर्डन का काला चिट्ठा सामने दे दूँ कि शहर के 8 MLA ने 50 साल क्या किया है और क्या नहीं किया है, देर इज एन इनॉर्मस लेगेसी बिल्डर। हम ईयर बाई ईयर वी आर यूजिंग ट्राइंग टू रिजॉल्व इट हर साल और इंशाल्लाह ताला देखिए वो मैंने एक बात की थी, आपने शायद समझी नहीं, न्यूएंस्ड बात की थी। आप 25 साल का काम एक साल में ख़त्म नहीं कर सकते, 25 साल के काम में 4-5 साल लगेंगे ख़त्म होने में। और हर एक बैरोमीटर में जो गवर्नेंस की स्पेंडिंग है वो पिछले साल पिछले डेकेड में जो एवरेज होती थी उससे बहुत ज़्यादा है, मगर ये कोई देर इज़ नो मैजिक वॉन्ड की कोई दबा दिया और 25 साल का जो बहरान है एकदम ख़त्म हो गया। आप ये खुद देखें ना, आप यू आर अ मैन हु पोजेसेस एन इंटेलिजेंट माइंड, पहला इंडोर स्टेडियम कब बना? आप तो पैदा ही नहीं हुए होते। वाई डिड वी हैव टू वेट 50 ईयर्स फॉर अ न्यू इंडोर स्टेडियम, 40 ईयर्स फॉर अ न्यू इंडोर स्टेडियम, वाई? तो इंडोर स्टेडियम 12 तो नहीं एक साल बन सकते, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक तो इलाही बाग में बनाया, आगे इनसे एक्सपेक्ट करेंगे हर साल एक और बनाए। जिल बडगाम डिग्री कॉलेज खान साहब आव टावन दिवस प्रोग्रामों का संज करने यथ मन सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोले जिल तरकियाती कमिश्नर बडगाम तो इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव आम लूकन हिंद एक खास तदाद शिरकत कर अत मौक पे लूकन हिंद मसल तो मुश्किल बोजना आए तथा कहिया लूकन हिंद मसल जाय मौकस पे हल करना आमित सूबाई कमिश्नर कश्मीर पी के पोलिन अ दौरान नुमाइंदन सत कत करान वोनमुत तमाम तरकियाती कामन पे कम जारी तो यम ते दीगर जायज मुतालबात आसन तम ते यन जल्द हल करना। मकसद यही रहता है कि इसमें जो सीनियर अफसरान रहते हैं वो आए, जैसे कि म्यूनसिपालिटी है तो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ये खुद यहाँ आए हैं, सुबह 10 बजे से यहाँ आए, डीसी साहब यहाँ आए हैं। उसका मकसद यही रहता है कि जो काम चल रहे हैं, कामों में डिफ़िकल्टी डेफिनेटली रहती है, आप अपना घर का भी काम शुरू करें, मान लीजिए घर में अपने एक टॉयलेट ब्लॉक बनाने का भी काम शुरू कर दिया, उसमें बहुत सारी दिक्कतें रहती है, ठीक है। आपने मान लीजिए डिसाइड कर दिया कि 2 महीने में मैं मुकम्मल कर दूंगा, 2 महीने में आपको उसकी बजरी लाने में ही कहीं मुश्किलें जाती हैं, तो गवर्नमेंट काम में भी सेम डिफ़िकल्टीज रहती हैं, कहीं ज़मीन के मसाइल रहते हैं, कहीं फंड्स के मसाइल रहते हैं, कहीं टेंडरिंग के मसाइल रहते हैं। जो 3-4 काम म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड जो बताया हुआ है उसमें से कुछ एक काम पर हम काम शुरू कर दिया है, जो बस स्टैंड का जो मसला जिसकी तरफ मेरे ख्याल से आप बता रहे हो उसकी फिजिबिलिटी नहीं आई है, मैं फिर से एक बार इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से लेने का प्रयास करूँगा, वो फाइनली उस पर बता देंगे। बाकी सब जो डिफिकल्टीज बताई उस पर अमल जमा पाए। ये बढ़ाव जिले वर्मुल सोपरस अंदर ते ब्लॉक दिवस तकरीब हुन संज करने यथ मज PRI DDC BDC तो जिले इंतजामी के जिम्मेदारों अलाव जिल तरकियाती कमिश्नर वर्मुल डॉक्टर सैद सरिश असगरन शिरकत कर अत मौक पे तम वोनमुत तकरीब मज आए आम लूकन हंद कह मसल यतनस अंजरा तो कहिया मसलन पे कार्रवाई चलान तम वो प्रोग्राम मज आव लूकन नशा मुक्त भारत तो सफाई अभियान मुहिम हवाल त जानकारी दिन तम वो जी लूकन आव सरकारी स्कीमन हवाल त वन कित हकन तुम सरकारी स्कीमन फायदे तुलत। ब्लॉक दिवस बम्बई में हमने मनाया जिसमें हमने सारे जो PRIs थे BDCs DDCs उनको भी बुलाया और साथ में जो यहाँ के आम आवाम थी उनसे भी सुना कि क्या क्या उनको इश्यूज़ हैं और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे जिन्होंने उनका मौके पे ही काफ़ी चीज़ों का अजाला किया और बहुत सारे इश्यूज़ जो हमने नोट डाउन भी किए हैं जो हमें सरकार को भेजने हैं या जिनका फॉलो अप करना है वो भी हुआ।
इसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान जो है, जो हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया हुआ है, और सफाई अभियान जिसमें हमने हर विलेज को जो है वो साफ करना है, और आइडेंटिफाइड ऐसे सफाई कर्मचारी करने हैं जिनसे जो इस गार्बेज को कलेक्ट कर सकें और सेग्रीगेशन पॉइंट्स पे ले सकें, उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा बहुत सारी सरकार की स्कीम्स, मैरिज असिस्टेंस स्कीम और बाकी ऐसी स्कीम्स जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ कॉन्टैक्ट होता है, उनको बताया कि किस तरीके से ये फॉर्म्स जो है रिजेक्ट होते हैं, उनमें किस तरह से उनको फॉर्म्स प्रॉपरली फिल करने चाहिए, तो और उसके साथ साथ जो जो उनके इशूज़ थे उन पर भी हमने उनके बारे में बात। जनूबी कशीर ज़िले अनंत नाग से ताल्लुक थावन वाजि एम बी बी एस तलब इलम बंग्लादेश फोत सपजम गरिकन वन अनंत नाग बिजबिहार रोजन वाजि खुशबू मंजूर कॉलेज हॉस्टल इमरस पे बुन आम लाइन पई सी यूस मज दाखिल कर आम ये जख्मन दग नवित्रन कन आज फोत सपदे तमोन बंग्लादेश बंग्लादेश मेडिकल कॉलेज मज बैचलर्स आफ मेडिसन तो बैचलर आफ सर्जरी हज पढ़ाई करान तमों से हवाल गवर्नर इंतजामिया अपील कर तिज लाश घर वापस आनस मज ग मदद यून कर यपर्च इंतजामिक जिम्मेदार तिंद घर वतमित तो तमो दिलास दुत लाश वापस आन खर तमाम कोशिश जारी। एल जी साहबस गुजारिश कर वाय खुदा सन वापस अस दोस मे हमसाय प्यारण रिश्तेदार प्यारण बेस बो पन मोज प्यारण वाय बह लगस ना तिम जख्म दवा करस ना वाय लग ये मेन डाक्टर कूर वाय खुशबू जाना चस कर इंतजार सीना वाय वाय एल जी साहबस पे खुदा सन तो बेम समेद वाय अख खुदा सन तो बेचि तम सन गर वाय एल जी साहब वमेद वे पुन बोत पे डेड बॉडी वापस अच्छे तमन वाल पे महारि बुत अ खुशी सान डाक्टर बनने मगर तम कमास चूर वेहरबानी तो मेहरबानी कर अव पे डेड बॉडी शाम तक वापस उम्मीद है एल जी साहब से और हमारी बहुत उम्मीद है उनके साथ क्योंकि हम सारे वेट कर रहे हैं डेड बॉडी की। पूरा गांव, पूरा इलाका, डिस्ट्रिक्ट बिजबिहारा, सारा डिस्ट्रिक्ट अनंत नाग, पूरा तहसील बिजबिहारा इसका वेट कर रहा है सर। एल जी साहब से पूरी उम्मीद है, बहुत कुछ है। तो क्या कहेंगे आप एल जी साहब? बस उसका रिक्वेस्ट है, हमारी बेटी चाहिए हमें, डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं सर। मेरी वन एंड लास्ट अपील गवर्नमेंट से है कि हमें वो उनकी डेड बॉडी दिखाए, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट वी वांट टू सी हर फेस। प्लीज हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें उनका फेस दिखाए, क्योंकि हमने उन्हें बहुत टाइम से नहीं देखा है और उनकी डेथ भी नहीं देखी, तो वी विश कि वो हमें उनकी डेड बॉडी दे। वो दो तीन दिन पहले हुई मेरी बात उनसे तो, लेकिन लास्ट टाइम हमने उन्हें फास्ट जब रख रहे थे, रमजान का मंथ था, तो वो यहाँ आई थी उन टाइम पे, उस टाइम पे, लेकिन बात दो तीन दिन पहले हुई थी उनसे। बहुत ज्यादा इसीलिए गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द दे हमें। सर बहुत कुछ उम्मीद है, दिलदोज हादसा हुआ है, अफसोस की बात है, मतलब दुख की बात है कि हमारी एक बच्ची जो कि हमारे मतलब बांग्लादेश में स्टडीज कर रही थी, एम बी बी एस कर रही थी, तो उसकी डेथ हुई है। अब इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है उसका रिट्रीवल ऑफ दे जो डेड बॉडी है उसको यहाँ वापस लाने के लिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह से ही काम शुरू किया है। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मुस्तैक है और इन कॉन्टैक्ट है, हमने कॉन्टैक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन ने रीजनल कमिश्नर, फिर फॉरेन एम्बेसी से, फिर बांग्लादेश के फॉरेन एम्बेसी से, तो ये जो मामला है यहाँ से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द जो बॉडी है वो वापस ली जाए। और बांग्लादेश में इस वक्त एफर्ट्स है, उनका जो एक लड़का है वो वहाँ पर भी स्टडीज कर रहा है, उसके साथ भी कांटेक्ट में है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ भी बात कर रही है, वो जितनी जल्दी हो सके तो बॉडी को वापस लाया जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, जितनी भी को मतलब जल्द से जल्द बॉडी को वापस लाया जाए। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है खुशबू मंजूर के रिहायशी गाह पे, जिनकी मौत जो है ढाका में हुई है, उसके फौरन बाद यहाँ के घर वालों ने
ढाका सरकार और भारत सरकार से यही गुजारिश की है कि उनकी जो मैयत है वो जल्द से जल्द यहाँ पे लौटनी चाहिए। अगर जिला इंतजामिया की बात करेंगे, जिला इंतजामिया के बहुत सारे अफसरान जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी जो आखिरी रसूमात है वो यहाँ पे ही होगी और वो इस वक्त डिविजनल कमिश्नर के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी इन टच है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेम्बर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने भी कहा कि उनकी बात जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ हुई है और उन्होंने ये मामला उनके साथ उठाया और उम्मीद करते हैं कि आज या कल दोपहर तक उनकी मैयत जो है उनके आबाद इलाके में पहुंचेगी। उनकी खबर फैलने के बाद इलाके में सफ़े मातम जो है वो यहाँ पे बिछ गया है। उसके बाद देखा जाए तो हर किसी की आंख नम है और हर किसी की यही गुजारिश है सरकार से कि खुशबू की अब मैयत जो है वो जल्द से जल्द उनके आबाई इलाके में पहुंचनी चाहिए। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, कातो बिजबेड़ा। ज़िले गांधरबल कंगन रोजन वाले लुको महकमा जल शक्ति खिलाफ तम सात नाराजगी बम इलाक आब कल मोमुत जानवर लबन आव लुकन वन आब उस चन खर इस्तेमाल कर ताहम मुतल महकम तरफ गैर संजीदगी मुजाहर कर तमोम आब सलक मेमार फहलन खतर यपरि डी डी सी मेम्बर तस्लिमा आदिल जाय मौक पे वर्चम तमोह सुमाइंद सलीम वानी सत कान वोनमुत लापरवाही बरतान वाल खिलाफ ही सख्त कार्रवाई कर। आज सुबह ही हमको कॉल फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि ऊपर पावर कैनाल में कोई जानवर है, पता नहीं 24 घंटे से है, दो दिन से है, लेकिन सुबह ही जब लोकल्स ने देखा तो उन्होंने फ़ोन कॉल्स करना शुरू कर दिए। तो हम ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर आए पाए, चलते चलते ऊपर आए तो यहाँ पे देखा कि एक गाय पानी में थी। ये पानी जो है जिस पानी में ये थी ये PDC कैनाल है, लेकिन इस कैनाल का पानी पब्लिक को जाता है, PAC यही पानी सप्लाई करता है लोकल्स को, जहाँ जॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कंगन में ड्यू टू दिस डर्टी वाटर। हर वक्त हमारी यही डिमांड है, DPRB अगर बन चुका है तो वो सेंक्शन क्यों नहीं हो रहा है? हर वक्त जल शक्ति को हम यही बोल रहे हैं कि मेहरबानी करके साफ़ पानी दे दीजिए, साफ़ पानी सप्लाई कर दीजिए। आज सुबह भी मैंने फ़ोन कर दिया कि पानी बंद कर दीजिए, हमें आप देख सकते हैं कि ये कितना गंदा पानी है, इसमें जानवर है, इसमें जो भी कूड़ा है वो सारा इसी में है। तो लेकिन कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ LG इंतज़ामिया से, DC गांधरबल सर से कि मेहरबानी करके इसमें कोई ऐसा क्विक एक्शन लीजिए ताकि हमें साफ पानी पीने को मिले। मैंने सुबह भी रिक्वेस्ट किया है कि हम पानी बंद कर दीजिए, हम मार्केट से पानी खरीदेंगे, क्योंकि ये पानी ना पीने के किसी भी यूज़ के लायक नहीं है, ना ये वॉशरूम के यूज़ के लायक है, ना पीने के लायक है, ये किसी भी यूज़ के, ये पानी ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन को भी सप्लाई होता है, वहाँ भी पीते हैं, तो वहाँ जो बीमार है वो भी उनका वो क्या ठीक हो जाएंगे? अगर एक तरफ से ठीक हो जाएंगे दूसरी तरफ से बीमार हो जाएंगे ड्यू टू दिस डर्टी वाटर। मेहरबानी करके इसमें कोई हल निकालिए। कंगन सब डिवीजन में पीने के पानी के साथ साथ मवेशी मरे हुए, जानवर भी है और यहाँ पे कुत्ते भी है मरे हुए, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट को शायद ही नज़र पड़ती है। मेरे पीछे जो किनाल है इसमें आज सुबह सुबह जो एक मरी हुई गाय भी निकाली गई और उसके बाद ही ये हाल है कंगन वालों के लिए, क्योंकि ऐसा गंदा पानी पीना पड़ता है आज के दौर में। और इसी हवाले से पिछले कई सालों से यहाँ पर ये पुकार थी कि कंगन वालों को गंदा पानी मिलता है, आज उसकी तस्दीक भी हुई है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, कंगन। शुमली जिले कुपवार डिग्री कॉलेज कुपवारा तरफ नशा मुक्त भारत मुहिम हवाले एक रैली हुन संज करना आमुत यात मज वस्तादो अलाव तलब इल्मन एक खास तादाद हिस्स नियो अत मौक पे ये रैली जरिए लुकन नशे के मुजर असरात बावना आई तच जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जिले कुपूर नशे के वबा नश दूर थाने बाबत हर किस नफरस पन जिम्मेदारी निभावन जरूरी तमों वालदेन पे जोर दुत तम थवन पचन हूं खास ख्याल। बेसिकली ये हमने भी और पूरी गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया कि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो इन बुरी आदतों में बुरी तरह फंस गई है, तो एक इनिशिएटिव चल रहा है नशा मुक्त भारत। ये तो इस सितंबर में 1 सितंबर से 30 सितंबर हम ये नशा मुक्त भारत सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे मुख्तलिफ हमने प्रोग्राम्स किए, हमने एक प्लेज सेरेमनी की, हमने ऐसे कॉम्पटिशन्स किए, हमने रैली का इनेकाद किया। ये लेकिन यहाँ ही नहीं रुकेगा,
हमारी कॉलेज की जो एनएसएस विंग है, एनसीसी विंग है, वो कंटिन्यूसली इस पे काम कर रही है। इस पे हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इस पे हम सेमिनार डिबेट्स करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि हम पूरे कुपवाड़ा ये जो टाउन है यहाँ पे जाके लोगों को जो इससे अनअवेयर है, जो यहाँ के हमारे बाशूर बाशिंदे हैं, जो हमारे यहाँ दुकानदार साहब। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट पार्टी तरफ से शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में वर्कर्स कन्वेंशन संज करना आमुत यात मज पार्टी वर्करन एक खास तदाद शिरकत कर अत मौक पे पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हाल दल दिन आव वर्करन पे जोर दिन आमुत तम कर पार्टी मजबूत बनान बापत चुकसान कम युत बाकी लूक पार्टी में शामिल सपदान अत मौक पे पार्टी सरपरस्त संजय कुमार तो सदर शेख मुजफ्फर मौजूद। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का चीफ पैट्रन एंड फाउंडर हूं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट का को फाउंडर एंड प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट है शेख मुजफ्फर साहब है। आज का फंक्शन ये है कि जस्ट 15 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को फॉर्मली रजिस्टर्ड किया है ऑफिशियली, तो हम लोग उसी इसमें कश्मीर के जितने कार्यकर्ता हैं जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट के, वो हम सब लोग एक जलसे के फॉर्म में एक दूसरे से मिल रहे हैं। इलेक्शन के बारे में इस जलसे के बाद हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें हम लोग डिसाइड करेंगे। कश्मीर आप प्रेसिडेंट हैं शेख मुजफ्फर साहब, द लॉफ्टी एजेंडा ऑफ अवर पार्टी इज करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर, वायलेंस फ्री जम्मू कश्मीर एंड ड्रग एडिक्शन फ्री जम्मू कश्मीर। जनूबी कशीर त्राल गमराज इलाको रोजन वाले लोगो इंतजामिया खिलाफ एहतजाज तो नारबाजी करम तमों जी गमराज पे त्राल सड़क हालत खस्ता हाल ग तम छतलिका महकम अत कु कुन दिवान तमों यद तमाम सड़क पे तारकोल वहराव आव तहम आई सड़क नजरअंदाज कर यमक लूकन मुश्किल मं हम तमों हवाल जिले इंतजामिया अपील करम अत मामल कुन गुन यु दिन युत लूकन बथियन वल मुश्किल दूर सपदन। मेरा नाम अजीत सिंह है, गामराज का मस्किन हूँ। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो ये बीच वाली रोड है 2 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा है, लेकिन इसको इन्होंने इग्नोर कर दिया है ना। यहाँ जब हम चलते हैं पैदल भी जब चलते हैं तो इतने सारे खड्डे हैं उसमें कि चलना मुश्किल हो गया। हमारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी विसासत से गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं कि वो इस सड़क की मरम्मत करे, इसमें मकदमाज करे ताकि हमारी जो मुश्किलात हैं वो आसान बन जाएं। शुक्रिया जनाब जी। रियाज अहमद डार अच्छा मुझे प्रोटेस्ट किश त्राल पटा 2 किलोमीटर रोड गायमराज यहाँ खस्ता अत गए आज वरी अत गए वरी वह मर इत खस्ता वनान हुकाम साथ एच डी एम एस साहब सोबत साहब वन कि यह रोड कर त्रो मकदम अच्छे अच्छा मुश्किल गचन मुश्किल अपर पक अब आब डोप सवान अत त्रो कुछ जिल डोडा रोजन वाले लोगों से शिकायत बवान वोनमुत डोडास मन लगातार शाम तो सुबह ट्रैफिक जाम वे यमक आम लुख मुश्किल मन यहाँ तमों वोनम ट्रैफिक जाम सी सात एम्बुलेंस गाड़ी ताम फसान यम सीमार सज हालत मजीद तशवीशनाक सपदान तमों गाड़ से गलत पारक यहाँ कर चीज वन तमों हवाल जिले इंतजामिया अपील करम अत मामल कुन गुन यु दिन युत लूकन बथियन वल मुश्किल दूर सपदान। आप देखें दिन ब दिन ये बढ़ रहा है ट्रैफिक जाम, खास करके सुबह 10 बजे से लेकर डीसी ऑफिस से लेकर नगरी तक और 2 बजे फिर होता है जाम। इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की थी, जो हमने भी मीटिंग पीछे की थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डीसी साहब से एसएसपी साहब से हमने गुजारिश की थी कि कम अज़ कम 10 बजे और 2 बजे बाजार में ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस को तैनात किया जाए ताकि ये जाम ना लगे, क्योंकि आप देखते हो कि जिस जगह जाम लगता है यही रास्ते यही रूट मेडिकल कॉलेज डोडा जो है उसको जाते हैं, और आपने देखा होगा कई बार एम्बुलेंस को आधा आधा घंटा लगता है जिससे मरीज को तकलीफ ज़्यादा होती है, मरीज टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता। मैं आज आपके इस चैनल से गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को फिर एक बार कि कम अज कम इस चीज़ को ठीक किया जाए, और ये ज़्यादा फासला नहीं है, खाली 400 या 500 मीटर का फैसला है। तो नाजरीन ये कोशिश खबर नाम वो यत्न से आन दियो इजाज़त खुदाई सवाल।